शहर के नगर परिषद मार्ग पर स्थित नगर परिषद के कचरा डिपो की हालत इन दिनों ज्यादा ही खराब हो रखी है। कचरा डिपो पर कचरे के साथ साथ मृत पशुओं के अवशेष डाले जा रहे हैं, जिसके कारण यहां पर दिन भर आवारा श्वान तथा सुअर इन अवशेषों को लेकर इधर उधर घूमते हुए गंदगी फैला रहे हैं। इतना ही नहीं, यह आवारा जानवर इन पशु अवशेषों को लेकर आसपास के घरों तथा पास ही में स्थित मंदिर में भी पहुंच जाते हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही है। क्षेत्रवासियों के अनुसार बरसों पुराने इस कचरा डिपो से होने वाली परेशानियों को लेकर कई बार प्रकार से प्रशासन तथा नगर परिषद को अवगत कराया गया और डिपो को यहां से हटाने की मांग की गई, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि नगर परिषद के पास स्थित कचरा डिपो पर रात्रि के समय कसाई मोहल्ले के लोग कचरे के साथ साथ मृत पशुओं तथा मछली आदि के अवशेष डाल जाते हैं, जिन्हें दिन भर आवारा श्वान तथा सुअर नोचते रहते हैं। क्षेत्रवासियों ने समस्या के समाधान के लिए उक्त कचरा डिपो को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की है। उधर इस संदर्भ में नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन से बातचीत करने पर उन्होंने भी स्वीकार किया कि कचरा डिपो पर कचरे की आड़ में मांस मछली विक्रेताओं द्वारा रात्रि के समय मृत पशुओं के अवशेष डाल दिए जाते हैं, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में बदबू तथा गंदगी का माहौल बना रहता है। लखन ने बताया कि संदर्भ में क्षेत्रवासियों की ओर से शिकायत मिली है। शिकायत को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे सभापति आयुक्त के साथ साथ उपखंड अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। लखन ने बताया कि शहर में स्वच्छता ही सर्वोपरि है और वर्तमान में उपखंड अधिकारी के निर्देशन पर एक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शहर में सफाई व अतिक्रमण हटाने पर फोकस किया जा रहा है। अति शीघ्र ही इस समस्या का समाधान किए जाने का प्रयास किया जाएगा। नगर परिषद के जस्ट पास में कचरा डिपो है। यहाँ पे रोज रात को कसाई मोहल्ले से कसाई भाई लोग, ये लोग यहाँ पे लाके अपशिष्ट पदार्थ गिरा के जाते हैं। इससे पूरे क्षेत्र में इतनी गंदगी हो जाती है, इतनी बदबू होती है कि यहाँ पे रहना भी मतलब दुश्वार हो चुका है। अब यहाँ पे मुर्गे के मांस मच्छी ये लोग यहाँ के लाके पटकते हैं रात को। फिर ये कुत्ते लोग ये जानवर यहाँ से उठा उठा के सब घरों के बाहर पूरे मोहल्ले में फैला देते हैं, जिससे पूरे मोहल्ले में दुर्गंध पैदा हो जाती है, बीमारी फैलती है मोहल्ले में, काफ़ी लोग बीमार भी हैं, काफ़ी दुर्गंध आती है। जस्ट पीछे मंदिर भी है एक, मेरे घर के ठीक मोहल्ले में आयुक्त साहब के बंगले के सामने जो कचरा डिपो है, जो बरसों से ही गंदगी का आलम रहता है, हमने राइटिंग में भी लिख के दिया था कि कचरा डिपो को अन्य सचिव किया जाए। इस डिपो की वजह से यहाँ तमाम तरह की गंदगी रहती है। इस गंदगी में हमारे समीप ही जो कतलखाना, कसाईयों का जो कतलखाना है, या मछली है, ये बकरे के इनके जो अवशेष बच जाते हैं, उनको रात्रि में ये कट्टे में ये भर के यहाँ डाल देते हैं। इससे क्या है कि जो श्वान, आवारा श्वान जो घूमते हैं, उनको मुंह में लेके मंदिर में, हमारे घरों में, चबूतरे पे लेके तमाम तरह की पूरे मोहल्ले में इन्होंने गंदगी भर दी है। नगर परिषद के पीछे स्थित कचरा डिपो पर मांस के लोथड़े, मृत मछलियाँ वगैरह इत्यादि डालने की शिकायत मिली है। ये आए दिन जो है इन कसाईयों द्वारा डाल दिया जाता है। इस संबंध में मैं आयुक्त महोदय को भी अवगत करूंगा, साथ ही साथ मैंने आयुक्त महोदय को ये रिटर्न में रिपोर्ट भी दी है कि इनके विरुद्ध उच्च स्तरीय कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। चूंकि ये मामला जब जब भी उठा है, तब तक इन लोगों ने जो है नगर परिषद के लिए विरोध किया है, तो मैं चाहूँगा इस संबंध में एसडीएम महोदय मैडम भी जो है तब भी ये बात पहुँचाएंगे, उनका भी जो है इस संबंध में अवगत करा करके और जो है उच्च स्तरीय कार्रवाई करवा करके इस गंदगी को मिटाने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा।